नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सिद्धार्थ, स्वागत करता हूं आपको डिफेंस अपडेट्स इंडिया में। हर रोज़ हम यहां डिफेंस अपडेट्स लेकर आते हैं रिलेटेड टू इंडिया और पूरा विश्व। चलिए आज का अपडेट शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे देश मार्क टू के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमारा दो इम्पोर्टेंट अपडेट हम जो है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसका शुरू करते हैं डिटेल्स ऑफ तेजस MK2। आज पहली अपडेट हमारा बजट को लेकर है। अगर हम बात करते हैं टोटल बजट कितना हमारा एलोकेशन हुआ है 2021 और 2022 एक साल के लिए, वो है 34.5 लाख करोड़ रुपया। हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे डिफेंस बजट के बारे में। अगर हम बात करेंगे डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए इसी साल जो बजट पास किया गया है उसका अमाउंट है 4,78,196 करोड़ रुपया, जो कि पिछले साल से 1.4% ज़्यादा है। अगर बात करते हैं पिछले साल, तो पिछले साल में हमारा जो बजट एलोकेशन हुई थी डिफेंस के लिए वो थी 4,71,378 करोड़ रुपया। अगर हम बात करते हैं अमाउंट के हिसाब से, तो अमाउंट के हिसाब से इसी साल 6,818 करोड़ रुपया ज़्यादा बजट पास हुआ है फॉर डिफेंस। जितने बजट पास हुआ है हमारा डिफेंस के लिए, उससे मैक्सिमम अमाउंट हमारा खर्च होगा फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ। आज हमारा नेक्स्ट अपडेट गगनयान मिशन को लेकर है। इसी साल दिसंबर में हमारा एक अनमैन्ड गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा और बाद में ह्यूमन को भेज जाएगा हमारा मिशन के लिए। और इसी साल दिसंबर में जो अनमैन्ड मिशन होगा उसके लिए इसरो ने PSLV CS-51 जो रॉकेट है उसका इस्तेमाल करने वाला है। और अभी बात करते हैं हम डिटेल्स ऑफ तेजस MK2 के बारे में। तेजस MK2 एक मीडियम वेट सिंगल इंजन डेल्टा विंग एंड मल्टी रोल फाइटर जेट है। अगर हम इसकी डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो डिजाइन इसका ADA ने किया है और ADA का साथ दिया है एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ऑफ हाल, जो कि एक डिपार्टमेंट है हमारा हाल की। तेजस मार्क टू हमारा फ्लीट से जागुआर, डसल्ट, मिराज 2000 एंड MiG-29 जैसे फाइटर को रिप्लेस करने वाला है। अगर हम इस प्रोग्राम का बात करते हैं, तो इस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था हमारा 2009 में, जिस उस टाइम हाल ने डिसाइड किया था कि मार्क टू के लिए एक पावरफुल इंजन सिर्फ लगाएगा Mk-1A में, बट ऑल डिजाइंस एंड स्पेसिफिकेशंस वर रिमेन कंस्टेंट। लेकिन बाद में हाल ने डिसाइड किया कि नहीं, तेजस मार्क वन से टोटल एक डिफरेंट फाइटर जेट होगा, जो एक मीडियम वेट कैटेगरी की होगा। और उसका जो टोटल डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हुआ था हमारा 2018 में, और इसका वो निकल कर आया था 2019 में। और बाद में 2020 से इसका टोटल डिज़ाइन मतलब टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ था। और इसी साल मीन्स 2021 में उसका मेटल कटिंग शुरू होगा, ये हम बता चुके हैं हमारा प्रीवियस वीडियो में। और हम बताए थे पिछले वीडियो में MMRCA-2 में इंडियन एयरफोर्स एक मीडियम वेट की फाइटर चाहता है, जो कि सेम होगा राफेल के जैसा। हम बात करते हैं अगर अमेरिका, रशिया, फ्रांस और स्वीडन की, वो लोग अपनी अपनी फाइटर जेट को इसमें कंटेंट कर रहे हैं, लेकिन हाल की तरफ से तेज मार्क टू को ऑफर किया जाएगा। एक अच्छी बात है, क्योंकि हम बता देते हैं जो भी फाइटर जेट इंडियन फ्लीट में शामिल होगा फॉरेन कंट्री का, उन लोगों को लग जाएगा 2 से 3 साल। अगर हम बात करते हैं हाल तेजस की, और अगर हम हाल की तेजस मार्क टू के बारे में बात करते हैं, तो इसका प्रोटोटाइप आएगा तो 2022 में, और इसका फास्ट फ्लाइट होगा हमारा 2023 में, और इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा 2025 में। और अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी 3 से 4 साल लग रहा है, जो कि फॉरेन फाइटर के लिए लगेगा। भी फॉरेन फाइटर को इंडियन एयरफोर्स ने लेगी, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। इसका मतलब वो इंडिया में अपनी फाइटर जेट का निर्माण करेगा, और जो कि बाद में इंडियन एयरफोर्स में यूज होगा, और उसमें भी 4 से 5 साल लग जाएगा। अगर हम इसी टाइम एक इंडिजीनियस फाइटर हमको मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे हमारा इंडिजीनियस फाइटर के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन फाइटर। बेहतर डिसीजन है बाय द हाल। हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कोई फॉरेन फाइटर को चूज करने से बेहतर होगा कि हमारा हाल का तेज मार्क टू को चूज करे। आज हम बात करेंगे इसके टोटल स्पेसिफिकेशन के बारे में, और इसका क्या क्या डिज़ाइन है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट।
सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज होगा वो सिमिलर रहेगा हमारा AMCA जो फिफ्थ जनरेशन की रिएक्टर बनने वाला है उसके साथ। इसमें ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल यूज़ किया गया है और इसका जो एयर इनटेक है उसको ट्विस्टेड किया गया है ताकि इसका रैडर क्रॉस सेक्शन नीचे रखा जा सके। सबसे पहले हाल ने सोचा था कि इसमें जो भी इंजन यूज होगा वो 95 से 100 किलोमीटर क्लास का एक इंजन होगा, जिसके लिए दो इंजन को चूज किया गया था। एक है हमारा एरोजेट ई जे 200 एंड अनदर GEF414 इंजन। दोनों से फाइनली GEF414 को सिलेक्ट किया गया, जो इंजन का ड्राई थ्रस्ट 58 किलोमीटर है एंड वेट थ्रस्ट 98 किलोमीटर का। और इसमें कनर्स दिया गया है जो कि इसकी ड्रैग को इंक्रीज करेगा, और बाद में इसके डिजाइन के ऊपर हम डिटेल्स एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस, आर्मामेंट्स एंड आवोनिक्स एक्सेट्रा। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो क्रू एक और दो हो सकते हैं। इसकी लेंथ 14.60 मीटर की है, विंग स्पान 8.50 मीटर की है, इसकी हाइट 4.86 मीटर की है, इसकी विंग एरिया 44 मीटर स्क्वायर की है, इसकी एम्प्टी वेट 7850 केजी की है, इसकी ग्रॉस वेट 11300 केजी है और ये मैक्सिमम 17500 केजी का वेट उठा सकता है। और इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी इसकी है वो 3400 केजी का है। और इसमें जो इंजन लगा हुआ है हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसमें एक सिंगल इंजन यूज होगा जो कि GEF414 का है, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। बात करते हैं थोड़ा इंजन के ऊपर, तो टोटल 99 इंजन ऑर्डर किया गया है हाल के तरफ से जी को, जो कि $822 मिलियन का है। और ये 99 इंजन से 9 इंजन को डायरेक्ट खरीदा जाएगा जी से और 91 इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2 रहने वाला है, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होने वाली है, कॉम्पैक्ट रेंज 1500 किलोमीटर होने वाली है, फेरी रेंज 3500 किलोमीटर की होगा, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की होगी, जी लिमिट +9 से -3.5 तक होगा और इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 होने वाला है, जो कि एक बेहतर डाटा हमको प्रोवाइड करता है इसके परफॉर्मेंस के बारे में। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी बहुत बेहतर है, हम मान सकते हैं कि मीडियम वेट फाइटर जेट जो कि वर्ल्ड क्लास में अभी चल रहा है वर्ल्ड में, उस हिसाब से एक बेहतर फाइटर जेट होगा। अगर हम इसकी आर्मामेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी वेपन के हिसाब से इसमें एक 23mm की GSH-23 कैनन लगा हुआ है और इसमें हार्ड पॉइंट जो नंबर है 11 है। अगर हम बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल के हिसाब से तो इसमें माइका, एसराम, मेट्रोर, अस्त्र IR, अस्त्र Mark 1, अस्त्र Mark 2 एंड अस्त्र Mark 3 मिसाइल यूज हो सकता है। और एयर टू सरफेस क्रूअल में ब्रह्मोस NG, निर्भय, शैडो और क्रिस्टल माजा जैसे मिसाइल इसमें लगाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं एंटी रेडिएशन वेपन के हिसाब से इसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 तीनों लगाया जा सकता है, जो कि हमारा DRDO ने डेवलप किया है। अगर हम बात करते हैं बॉम्ब के हिसाब से, बॉम्ब में इसमें स्पाइस HSLD 100, 250, 450 एंड 500 जैसे बॉम्ब लगाया जा सकता है। और इसमें DRDO द्वारा डेवलप किया गया ग्लाइड बॉम्ब्स लगाया जा सकता है, DRDO सब इसमें यूज हो सकता है। लेजर गाइडेड बॉम्ब के हिसाब से इसमें सुदर्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके बात करते हैं इसके एवियोनिक्स की तरफ से, एवियोनिक्स में इसमें एक उत्तम AES रडार लगा जाएगा, ए मल्टी सेंसर डाटा फंक्शन सिस्टम जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा और एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी होगा। इसके सिवा इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट लगा जाएगा और जो राफेल में यूज हो रहा है थेल्स की एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोर डिकाई सिस्टम उसको लगा जाएगा और एक ट्रैफिक कोलिजन एविडेंस सिस्टम जो कि ट्राफेल में भी यूज हो रहा है उसको भी लगाया जाएगा। ये था पूरा डिटेल्स ऑफ तेजस MK2। लेकिन और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे टोटल डिज़ाइन के हिसाब से, इसका डिज़ाइन क्यों ऐसा डिज़ाइन किया गया उसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए डिफेंस अपडेट्स इंडिया चैनल को।
और आपका कमेंट हमको मोटिवेट करेगा और नए नए वीडियो और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा।